तो दोस्तों चाहे हम लोग पेपर देने जा रहे हो, किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हो, या फिर कोई गेम खेलने जा रहे हो, या फिर कुछ भी करने जा रहे हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग, एक ऐसी प्लानिंग जो हमको एक माइंड मैप दे देती है जिसके थ्रू हम लोग अपने स्टेप्स को रखते हैं। सेम ऐसा ही ई कॉमर्स की साइड में होता है। पेपर में अगर आ जाए ये क्वेश्चन, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन इवोल्यूशन स्ट्रेटजी प्लानिंग साइकिल लिखने को, तो 2 मिनट में चुटकियों में साइकिल बना के इसको एक्सप्लेन कर दोगे। बस मैं आपको ज़्यादा नहीं 6 से 7 मिनट लूंगा। तो इस साइकिल को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि स्ट्रेटजी होती क्या है। स्ट्रेटजी एक ऐसा वे होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग जिस भी प्रोसेस को बनाते हैं उसको एक तरीके से लागू करने का तरीका ही स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसमें हमारा क्या प्लान है, क्या पॉलिसीज है, हमारे बिजनेस के क्या गोल्स हैं, इन सबको हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटजी इनिशिएशन से, तो यहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि कंपनी ये देखती है कि उसके पास क्या क्या वैल्यू है, उसके पास क्या क्या है, उसको क्या करना है, उसका मिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पहली बात, वो करना क्या चाहती है, उसको उस काम को करने का मौका कब मिलेगा, उसे करना क्या है, उसके सामने कंपटीशन कितना है और कितने लोग आके टक्करी लेने वाले हैं, साथ ही साथ कंपनी को यह एनालिसिस करना है कि वो क्या करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इसमें ये लोग पूरी प्लानिंग को बना लेते हैं कि कैसे कैसे एक एक स्टेप करना है। ई कॉमर्स साइट में हमें किसी भी चीज़ को लॉन्च करना है, किसी सर्विस को प्रोवाइड करना है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है, उसके साथ में देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट, हमें इस काम को करने में कितना मुनाफा होगा, क्योंकि मुनाफा तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा वरना काम को करने से फ़ायदा क्या। फिर देखते हैं रिस्क कितना आ रहा है, अगर हमारा जो भी फॉर्मूला बनाया है या जो भी प्लानिंग की है अगर वो फेल होती है तो हमें कितना रिस्क उठाना पड़ेगा, साथ में हमारे पास बजट कितना है, कितना पैसा है जो हम लगाएंगे तो हमारा काम शुरू हो पाएगा। उसके साथ बिजनेस प्लान, जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज जो हमारे पास आती है वो होती है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब हमारे पास सब बन चुका है, हमने माइंड में एक मैप तैयार कर लिया है, एक पेपर में भी उतार लिया है, लोगों से भी डिस्कस कर लिया है, अब वक्त आ गया है इंप्लीमेंट करने का। अब जो भी हमने स्ट्रेटजी बनाई थी उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो प्रोजेक्ट प्लान को इंप्लीमेंट किया, उसके बाद जो भी रिसोर्सेस थे हमने उनको लगाया, नहीं थे तो मंगाया, उनको लगाने के बाद हमने टीम को शेड्यूल किया, वो टीम क्या करेगी कि जो भी हमने प्लान बनाया उसको कैसे कब कहाँ किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और पहुँचाना है। जब हमारा ये काम भी हो गया, हमारा ऐप था, हमारा प्रोडक्ट था, हमारी सर्विस थी, जब वो इम्प्लीमेंट हो गई, लोगों तक पहुँचने लगी, तब हमें असेसमेंट करना होता है, मॉनिटर करना होता है परफॉर्मेंस को, जो काम हमने किया है वो कैसा चल रहा है, क्या उसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। साथ ही में हम लोगों को कंपेयर करना होता है कि जो हमारे हर दिन का ग्राफ है वो किस तरीके से चल रहा है, हमको घाटा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हर चीज़ को एक तरीके से मैनेज करके चलना होता है। साथ ही साथ अगर हम लोगों को घाटा हो रहा होता है तो हम लोग उसको इम्प्रूव करते हैं, और अगर लॉस हो रहा होता है तो उसको एडजस्ट करने की, उस ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉफिट में बदले। इसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, ये होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी कहाँ पर है ये हमें देखना होता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए क्या क्या, अगर कोई टेक्निक्स कोई टूल्स की ज़रूरत होती है तो वो पूरी तरीके से प्रोवाइडेड है या नहीं, क्या तरीका है ऑर्गेनाइजेशन का कि अपनी वांट्स को पूरा कर सके, जो भी उसको ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा करे और जो भी कमी है उसको मंगाए। इसके बाद एक लास्ट चीज़ आ जाती है, वो होती है SWOT, मतलब कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। अगर कंपनी को अपनी ताकतें पता हैं, अगर कंपनी को अपनी कमजोरी पता है, और कंपनी को ये पता है कि उसको कहाँ कब कितना अच्छा मौका मिल सकता है और कहाँ पे उसको खतरा है, अगर ये चार चीज़ें कंप्लीट है तो वो फेल नहीं हो सकता है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी लाइफ साइकिल थी, जो कि प्लानिंग साइकिल थी, जो कि ई कॉमर्स की थी। आप लोगों को पेपर में अब इसको लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो इसको आप लोग समझ लीजिए, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर किसी दोस्तों को भी ज़रूरत हो तो उनसे भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको और भी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।